बात देता हूँ, हमारे माइनार लीडर ए चेयरमैन और साबिका वजीर अला गुलाम नबी आज़ाद को, जिसको दर्द है जम्मू कश्मीर की लोगों की, जो अमित शाह साहब से मिले और गवर्नर को फ़ोन पर बात की, उसने पूरी डिटेल दिया अपने उस प्रेस नोट में। 15 दिन से यहाँ लोग सोते नहीं, मैं जम्मू भी गया तो लोग परेशान थे, मैं गया शुपियान गया, बांडीपोरा गया, लोग परेशान थे, कुलगाम गया। आज मैं मुबारकबाद देता हूँ गुलाम नबी आज़ाद, जिसने अमित शाह से बात की, 20 मरले 10 मरले, जो 47 से लेकर 30 साल 40 साल हो गए मकानों को, अमित शाह ने उनको विश्वासन दिलाया कि इनके साथ हम हाथ नहीं लगाएंगे। लिहाजा मेरी अपील है लोगों से कि डेमोक्रेटिक देखो, दर्द किसको है आपकी, हर जगह हमने धरना दिया है, जम्मू प्रोविंस में बानहाल तक हमने पिछले हफ्ते पुनुष राजौरी डोडा में धरना दिया है इस गवर्नमेंट आर्डर के खिलाफ, जो एलजी इंतजामिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो आर्डर किया है। मेरी भी उम्र है 50 साल, मैंने कभी नहीं देखा कि इस घाट चढ़ाई को निकालो, स्टैंड लैंड को निकालो या कोई लैंड निकालो, जिसको कोई कब्जे में है, 10 मरले 20 मरले यही कब्जे में, किसी ने मकान बनाया, गरीब लोगों ने मकान बनाया। मैं लोगों से अपील करता हूं, अगर कहीं भी किसी को, हम मकान को उठने नहीं देंगे, हम मकान को डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करने देंगे। ये हमारे माइनॉरिटी लीडर ने भी अमित शाह साहब से भी कहा और एलजी साहब से भी कहा। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में ये आर्डर जो है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, ये रिवोक हो जाएगा, लोग खुशी से रहेंगे। लोगों को जो 15 दिन से यहाँ जो हर जो लोग मिलते थे मायूस होते थे, हम क्या करेंगे। लिहाजा मैं मुबारकबाद देता हूँ तीसरी बार गुलाम नबी आज़ाद को, जिसने ये होम मिनिस्टर से बात उठाई, एलजी से बात उठाई, एक ही वाइज लीडर है जो इस दलदल से निकालेगा रियासत जम्मू कश्मीर को, वो है गुलाम नबी आज़ाद। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करें और डीएपी के हाथ मजबूत करें, और डीएपी की वाइज वो ईमानदार लीडर है गुलाम नबी आज़ाद, जिसको दर्द है जम्मू कश्मीर के लोगों की।